हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, मैक टू न्यू ब्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं दिल्ली। तो फाइनली हमारे पापा दिल्ली में रहते हैं और वो दिल्ली में राखी का काम करते हैं। उन्होंने राखी बना के बहुत सारा एडवांस लगा लिया है। बारिश भी होने वाली है, मैं जल्दी से जाकर अपने बैग को पैक करता हूँ, फिर निकलता हूँ दिल्ली के लिए। एक घंटे बाद तो है गाइस, मैं तैयार हो चुका हूँ और मेरा बैग भी तैयार हो चुका है। अब फाइनली मैं निकलता हूँ बस की तलाश में। हे गाइस, मुझे फाइनली बस मिल चुकी है और सीट नहीं थी तो इसलिए मुझे डिग्गी में जगह मिली हुई है। और आस पड़ोस में मेरे पास दो बच्चे भी बैठे हैं और बहुत सारे लोग भी हैं, आप देख सकते हैं। तो अब बस रुकी है ढाबे पे, जिसको भी नाश्ता पानी करना है वो कर सकता है। तो मैंने सामने एक दुकान देखी, मैं वहाँ पर पहुँचा और मैंने टेढ़े मेढ़े का पैकेट लिया और मैं उसे खाने लगा। तो फाइनली बस खड़ी थी, मैंने बस के चारों ओर चक्कर लगा कर देखा, वहाँ बहुत सारे लोग बैठे थे, मैं जाकर वहीं पर बैठ गया। और मैं अभी हूँ कांठ में। तो गाइस, मुझे बैठने के साथ यहाँ सोने की भी जगह मिल चुकी है। रात के बज चुके हैं 10, सब लोग सो गए हैं। जो मेरे साथ डिग्गी में बैठे थे वो अभी जग रहे हैं और गेम वगैरह खेल रहे हैं, आपस में बतला रहे हैं। तो गाइस, रात के बज रहे हैं 12 और बस रुकी है माल लोडिंग होने के लिए। तो आप देख सकते हैं बस में माल लोड हो रहा है और जो डाला दिख रहा है इसमें माल है और बस में लोड हो रहा है। अब चेक करते हैं डिग्गी में क्या हो रहा है। बस के पास जाते हैं। बस के पास पहुंचने वाले हैं, थोड़ा ही बचा है। फाइनली बस के किनारे आ चुके हैं और देखते हैं क्या लोड हो रहा है। ओ से डिग्गी में भी माल लोड हो रहा है, बस के अंदर भी माल लोड हो रहा है, पता नहीं कहां कहां लोड करेंगे। अब बस लोड हो चुकी है, रात के बज रहा है 1, अब बस स्टार्ट हो चुकी है और मैं डिग्गी में बैठा था, मुझे जगह आगे मिल चुकी है और आप लोग आगे का सीन देख सकते हैं। इसी दर में फिर तक जाने वाला है। गाइस, जिसका तुम इंतज़ार था वो आ गया है। तो फाइनली टूल टैक्स आने वाला है, यहाँ से कुछ 200-300 मीटर रह गया है, फाइनली बस वहाँ पर पहुँचने ही वाली है। जैसे हमारी बस पहुँचेगी और टूल कटते ही, टूल खुलते ही हमारी गाड़ी क्रॉस हो जाएगी। गाड़ी टूल टैक्स के किनारे आ चुकी है, अब टूल में घुसने ही वाली है। फाइनली टूल में घुस चुकी है, जैसे हमारा टूल कटेगा वैसे ही फाटक खुल जाएगा। टूल कट गया और फाटक खुल गया, तो फाइनली अब टूल टैक्स के बाहर कार निकलने वाली है। तो गाइस, टूल टैक्स क्रॉस हो चुका है, मैं थोड़ा सो लेता हूँ, फिर तुम्हें 2 घंटे बाद फिर एक टूल दिखाऊंगा। तो गाइस, फिर से हम टूल टैक्स पर पहुंच चुके हैं और आप लोग देख सकते हैं यहाँ से टूल 200-300 मीटर है। तो फाइनली टूल टैक्स पर आज ज़्यादा भीड़ ही नहीं है। तो हमारे कंडक्टर साहब बता रहे इधर को गाड़ी थोड़ी दबाओ, इधर कोई नहीं है। तो आप लोग फिर से देख सकते हैं, जैसे ही टूल खुलेगा वैसे ही फाटक खुल जाएगा। देखिए, टूल टैक्स पर कार पहुंच गई।
टूल कट गया और ये फाटक खुल गया। अब टूल टैक्स के बाहर गाड़ी जा रही है, फिर से हम सो जाते हैं। फिर मिलते हैं अगले तीसरे टूल में। तो गाइस मैंने आप लोगों से कहा था मैं मिलता हूँ तीसरे टूल में, मुझे याद ही नहीं रहा। मोर मैं सो गया, मेरी आँख खुली तो मैंने देखा मैं दिल्ली पहुँच चुका था। ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं दिल्ली का खूबसूरत नज़ारा। ऊंची ऊंची बिल्डिंग बनी हुई है और लाइट भी जल रही है। अभी सुबह के 6 बजा हुआ है और यहाँ लाइट भी जल रही है अभी तक। और यहाँ बड़े बड़े मकान भी बने हुए हैं, बिल्डिंग है। ओ भाई ओ भाई, यहाँ तो मज़ा आ गया देख के बिल्कुल। ओ भाई ये देखो सामने कितनी बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है। ओ तेरी, तो फाइनली अब मैं दिल्ली में आ चुका हूँ कतई। अब मैं जाऊँगा सदर बाजार अपने पापा से मिलने, वहाँ पर मेरे पापा राखी बेच रहे होंगे। अब चलता हूँ मैं सदर बाजार। ये सदर बाजार का इस और यहाँ पर मेरे पापा राखी लगाए हुए बैठे हुए, मेरे पापा से मिल गया हूँ। और फाइनली तुझे पापा नीचे बैठे दिखे नहीं है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग दोस्तों। हमारी ब्लॉग आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली न्यू ब्लॉग में।